Hey guys, what's up? This is Wicket Rider and welcome back to the channel. So I am again back with another video जहाँ की मैं compare करने वाला हूँ DJI Osmo Action Camera और GoPro Hero 7 Black जो कि मैं अभी currently use कर रहा था. तो end तक देखिएगा vlog और आप लोगों को सारे ही queries clear हो जाएंगी, तो जिससे कि आप लोगों को जब भी एक्शन कैमरा बाई करना है, अगर आप लोगों में से कोई भी मोटो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता है तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस नहीं सोचने पड़ेंगे. आप लोगों को ऑलरेडी सारी आंसर्स मिल चुके होंगे कि कौन सा बेस्ट एक्शन कैमरा है और क्या क्या टिप्स हैं आप लोगों को एक्शन कैमरा बाई करने से पहले देखनी चाहिए. एक्शन कैमरा खरीदने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जिसमें क्या आ जाता है आप लोगों का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा है, वो 4K शूट सपोर्ट करता है कि नहीं, या 1080 सपोर्ट करता है कि नहीं, कितना फ्रेम्स पर सेकंड जो सेटिंग्स रहती हैं वो सारी कंपैरिजन, एंड जो आपका हीटिंग इशू आता है कई कई एक्शन कैमरास में. आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा एक्शन कैमरा का ऑडियो क्वालिटी अच्छा है, और जब भी मैं हेलमेट में माउंट करके चलाऊंगा दोनों ही आपको वीडियो आगे एंड में मिल जाएगी. जो स्टेबलाइजेशन होती है किसी भी एक्शन कैमरा में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने ये DJI Osmo Action बाई किया है, और तो जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे तो आपको जो DJI का एक्शन कैमरा है वो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा. इसका केस है साथ में इसके मिल जाता है आप लोगों को, ऐसा ही केस GoPro के साथ में भी मिलता है. तो ये जो कैमरा है कुछ इस तरीके सा है. इसमें आप लोगों को फ्रंट स्क्रीन मिल जाती है यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो आप लोगों को फ्रंट का लेंस मिल जाता है, आप लोगों को स्क्रीन ऐसा पूरा फुल स्क्रीन मिल जाता है. एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर आपका जो फ्रंट में जो लेंस लगा हुआ है उसके ऊपर ये जो ट्रांसपेरेंट शील्ड लगी हुई है, ये चीज़ अगर आपकी ब्रेक होती है तो आप इसको निकाल सकते हो. बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं DJI Osmo Action में और Hero 7 Black में. जो एक्शन कैमरा है वो मैंने अनबॉक्स कर लिया है, और जो DJI Osmo Action कैमरा के साथ में जो केस मिल जाता है वो कुछ इस तरीके से है. जो एक बेसिक केस है आप लोगों को हेलमेट माउंट करने के लिए ईजी रहेगा. तो अभी जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को फीचर्स दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या है. तो यहाँ पे ऊपर बटन दिया हुआ है, इसको एक बार क्लिक करना है तो जो एक्शन कैमरा है वो ऑन हो जाता है. और काफ़ी बड़ा इसमें डिस्प्ले दे रखा है, डिस्प्ले एरिया काफ़ी अच्छा है. एंड इसके अलावा जो फीचर्स मिल जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. तो जो टच है इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. ये चीज़ मैंने GoPro में नहीं देखी है, क्योंकि जो GoPro में टच रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं है, बट DJI का जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है. इसके अलावा मैं आप लोगों को फीचर्स बता देता हूँ. अगर मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले करके जो एक बटन है इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन और ऑफ़ हो जाता है. तो ये अभी ऑन हो चुका है. तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ये है लूप रिकॉर्डिंग वीडियो ऑप्शंस में. सेकंड आ जाता है स्लोमो, थर्ड आ जाता है HDR, और जो फोर्थ आ जाता है वीडियो. नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम लैप्स, और एक और ऑप्शन है हाइपर लैप्स. अगर इस कैमरे को कंपेयर किया जाए GoPro Hero 7 Black से तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें. इसके अलावा फ़ोटोज़ में ऑप्शंस जाके देख लेते हैं. तो इसमें जो आप लोगों को फ़ोटो में मोड्स मिल जाते हैं, दैट इज़ AEB, फोटो, बर्स्ट और टाइम्ड. वीडियोज़ में फ़ीचर बता देता हूँ. वीडियो में अगर मैं लूप रिकॉर्डिंग में जाता हूँ तो लूप रिकॉर्डिंग में मेरे पास आ जाता है जो मिनिमम है, दैट इज़ 1080p विद 50 फ्रेम्स पर सेकेंड. लूप जो लूप ड्यूरेशन है दैट इज़ इन्फिनिटी, 5 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 1 आवर. उसके अलावा 1080p 60fps में जाते हैं तो इसका ड्यूरेशन है 1 आवर, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड इन्फिनिटी. उसके अलावा 1080p 100fps आ जाता है, 1080p 120fps आ जाता है. इसमें रॉक स्टडी अवेलेबल नहीं है. 1080p 120 आ जाता है, 2.7K में आ जाता है, जिसमें कि रॉक स्टडी इनेबल हो जाता है. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो पिछले वाले मोड में था वो डिसेबल्ड था, बट जैसे ही मैंने 2.7K 25 में किया तो रॉक स्टडी इनेबल हो गया. उसके अलावा 2.7K में 30, 50, 60 FPS तक सपोर्ट करता है, और 2.7K
4:3 रेशियो भी वीडियो शूट कर सकता है ये एक्शन कैमरा। और उसके अलावा 4K की बात की जाए तो 4K में 25 FPS एंड 30 FPS आप लोगों को ये कैमरा में शूट कर सकते हो। उसके अलावा जब हम स्लोमो में चले जाते हैं तो स्लोमो में एक बार मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूँ। स्लोमो में आ जाता है 1080p एंड 720p। इसमें जो दोनों ही ऑप्शन है दैट इज़ 8x एंड 4x, 720 में भी 4x एंड 8x। इसके बाद में HDR वीडियो में जाते हैं तो HDR वीडियो में देखते हैं क्या क्या है। HDR वीडियो में आप लोगों को मिल जाता है 1080p विद मिनिमम इज़ 24 FPS, मैक्सिमम इज़ 30 FPS, 2.7K में मिनिमम है 24 FPS एंड मैक्सिमम इज़ 30 FPS। 4K की बात की जाए तो 4K में है 24 FPS एंड जो मैक्सिमम है 30 FPS। ये है आपका HDR मोड। इसके बाद में मैं वीडियो में जाता हूँ तो वीडियो में जो कि बहुत ही मेन है, इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक्शन कैमरा के रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं मिनिमम से, दैट इज़ 720p। आप लोगों को 240 FPS मिल जाता है एंड 200 FPS मिल जाता है, बट दोनों ही में ही रॉक स्टडी मोड नहीं है। 1080p में आपको अप टू 240 FPS मिल जाता है और जो मिनिमम है दैट इज़ 24 FPS। तो जो 60 FPS है 1080p में रॉक स्टडी सपोर्ट करता है, उसके बाद में 100 FPS से आपको रॉक स्टडी मोड नहीं मिलेगा। 2.7K में आते हैं तो 2.7K में 60 FPS तक आप लोगों को रॉक स्टडी मोड मिलता है एंड द मिनिमम इज़ 24 FPS आप लोगों को उसमें मिल जाता है। 4K में रिकॉर्डिंग किया जाता है, 4K में मिनिमम आ जाता है 24 FPS, जो मैक्सिमम है दैट इज़ 60 FPS। आप रॉक स्टडी ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो अगर आप कोई सा गिम्बल यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा 4K 4:3 आता है, इसमें 30 FPS में रॉक स्टडी मोड अवेलेबल नहीं है, 25 में भी नहीं है एंड 24 में भी नहीं है। उसके अलावा जो टाइम लैप्स की बात की जाए तो टाइम लैप्स में देख लेते हैं। टाइम लैप्स में आप लोगों को जो ड्यूरेशन है वो मिल जाता है 0.5 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स तक। और तो टाइम लैप्स में आप लोगों को मिल जाता है कि कितनी देर में एक शॉट क्लिक करेगा। फर्स्ट इज 0.5 सेकेंड्स एंड अप टू 30 सेकेंड्स। तो ये जो 30 सेकेंड्स अगर आप सेटिंग करते हो तो वो 30 सेकेंड्स बाद फोटो लेगा। उसके बाद अगर हाइपर लैप्स का जो कंपैरिजन किया जाए तो हाइपर लैप्स में भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाइपर लैप्स में आप लोगों को मिल जाता है 4K, 2.7K एंड 1080। तो 1080 से शुरू करते हैं तो आप लोगों को 30x स्पीड मिल जाती है एंड 10x स्पीड इज़ द मिनिमम। मैक्सिमम 4K में भी सेम 10x इज़ द मिनिमम एंड 30x इज़ द मैक्सिमम स्पीड। फोटोज़ में जाते हैं, फोटोज़ में आप लोगों को टाइम्ड फोटोज़ मिल जाती है अगर आप क्लिक करते हो तो। इसकी कुछ कुछ सैम्पल्स मैं आप लोगों को एक ड्राइव में लेके डाल दूंगा या फिर आप लोगों को जिस भी चीज़ के पॉसिबल रहेंगे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आगे इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। उसके अलावा जो आप लोगों को जो क्विक फीचर्स मिल जाते हैं, आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन की तरह जिस तरह से आप फ़ोन में चलाते हो, तो एक हो जाता है आप लोगों का सेव कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जो यहाँ पे दिखा दे रहा है सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन टू C1। तो आप कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव भी कर सकते हो पहले से ही अगर आप लोगों को किसी सेटिंग्स डालनी है। उसके अलावा ब्राइटनेस आप जो है स्क्रीन की वो सेट कर सकते हो। और उसके अलावा जो आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे क्लिप सी है, यहाँ पे छोटा सा पुश बटन है, आप इसको यहाँ पे बस पुश करेंगे एंड आप लोगों को ये फ्लैप सा मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो SD कार्ड है वो डालने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे सी टाइप पोर्ट है। और जो क्विक स्विच है ये यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग मिल जाती है। जो ये वाला जो फ्रंट में स्क्रीन है वो आप लोगों को फुल स्क्रीन में डिस्प्ले करना है या फिर आप लोगों को हाफ स्क्रीन में डिस्प्ले करना है, जो कि आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएगा। आप लोगों को कुछ यहाँ पे जो आइकन है वही डिस्प्ले कर रहा है कि कैसा वीडियो आपको शो होगा। यहाँ पे आपका QS बटन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा फ्रंट व्यू दिख रहा है। अगर मैं इसको क्रॉप्ड मोड में कर देता हूँ एंड देन उसके बाद में क्विक स्विच करता हूँ तो जो वीडियो है कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इसके अलावा जो आप लोगों को एक्सेसरीज मिल जाती है इसमें मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये एक आप लोगों का जो कर्व्ड माउंट है वो मिल जाता है आप लोगों को। इसके अलावा मिल जाती है आप लोगों को सी टाइप केबल, जो चार्जिंग ऑप्शन है इसमें सी टाइप केबल है। उसके अलावा आप लोगों को ये टाइट करने के लिए मिल जाता है अगर आप यहाँ पे एक एक्शन कैमरा माउंट करते हो।
यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको टाइट कर सकते हो। एक चीज़ और जो आप लोगों को DJI एक्शन कैमरा का बैटरी मिल जाता है उसमें आप लोगों को देख लो, यहाँ पे एक स्विच है और एक यहाँ पे स्विच है, जब भी आप प्रेस करते हो तो आप लोग ये बैटरी को ईजिली निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। अभी बिना कुछ देरी के मैं आप लोगों को GoPro के जो फीचर्स हैं वो बताता हूँ। आई नो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आप लोगों को जो भी फीचर्स हैं मैं सारे ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो DJI Osmo Action जो है आप लोगों को मैं ऑलरेडी कंपेयर करके बता चुका हूँ। अभी मैं जो GoPro Hero 7 Black है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो आप लोगों को फीचर्स वाइज और जो भी मैंने अभी तक इशू फेस किए हैं या फिर जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगी हैं GoPro में, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो अब इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट बटन मिल जाता है, जो ये है डिफ़ॉल्ट जो केस आता है GoPro के साथ में। जो डिस्प्ले एरिया है वो काफ़ी कम मिलता है, बट जो क्लैरिटी है DJI से इसकी शार्पनेस और जो डिटेल है वो GoPro की ऑब्वियसली ज़्यादा है। बट यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो वीडियो में वीडियो आ जाता है, एक लूपिंग आ जाता है, एंड अगर मैं ये खोलता हूँ ऑप्शंस तो वीडियो सेटिंग्स में आ जाती है मेरे पास में मिनिमम 720 एंड जो कि हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन में आती है। अगर मैं 60 FPS पे शूट करता हूँ तो मेरे को मिलती है हाइपर स्मूथ। उसके अलावा मैं किसी भी 120 पे जाता हूँ तो 120 FPS में हाइपर स्मूथ नहीं है, और जो मिनिमम है इसमें 24:240 है। 720 से स्विच करके आते हैं 1080p पे, तो यहाँ पे जो आप लोगों को फ्रेम रेट्स मिल जाते हैं वो है 240 FPS से मिनिमम 24 FPS, और 60 FPS पे हाइपर स्मूथ है, 120 पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। 1080p में अगर बात करते हैं तो 60 FPS पे आप लोगों को 60 FPS पे आप लोगों को हाइपर स्मूथ मिल जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो GoPro का जो टच है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कंपेयरिंग टू DJI Osmo, और मेरे को मल्टीपल टाइम्स टैप करना पड़ता है कभी कभी। तो 120 में देखा जाए तो 120 में स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन है, 60 में हाइपर स्मूथ है और 240 में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। एंड इसके बाद में जाते हैं 2.7K में, 2.7K में ये सपोर्ट करता है 24 से 240 FPS तक, और जो हाइपर स्मूथ है दैट इज़ टिल 60 FPS, 120 पे आप लोगों को स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है। जो 4K में है वो 30 FPS पे आप लोगों को हाइपर स्मूथ मिल जाता है, 60 FPS पे भी आप लोगों को हाइपर स्मूथ मिल जाता है, और 120 FPS पे अगर बात की जाए तो 120 FPS में आप लोगों को सपोर्टेड नहीं है हाइपर स्मूथ, 240 FPS पे भी नहीं है। जो वीडियो में आप लोगों को एंगल मिल जाता है दैट इज़ ऑन 4K 60 FPS इट्स वाइड, और 4K अगर आप 30 FPS में जाते हो स्विच करते हो, एंड उसके बाद में अगर आप यहाँ FOV में जाते हो तो आप लोगों को एक सुपर व्यू भी मिल जाता है। सो लूपिंग के लिए आप लोगों को 1440 विद 60 FPS ही मिलता है उस विद 4:3 एंड 16:9, एंड 16:9 में और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें कि आप लोगों को 1080 विद 60 FPS, 1080 विद 120 FPS, 4K विद 30 FPS आप लोगों को मिल जाता है। इसमें जो मोड्स, जो व्यूइंग एंगल मिल जाता है दैट इज़ लीनियर एंड वाइड। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे टाइम लैप्स मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, फ़ोटो मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे टाइम लैप्स में कंपेयर किया जाए तो टाइम लैप्स में आप लोगों को मिल जाता है टाइम वाप वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, टाइम लैप्स फ़ोटो एंड नाइट लैप्स फ़ोटो। तो जो फ़ोटो की बात की जाए तो फ़ोटो में अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड कर सकते हो, तो आप लोग फोटो मोड में आ जाओगे। GoPro Hero 7 Black में आप लोगों को यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं मिलती है जिसमें कि आप वीडियो देख सकते हो, बस यहाँ पे बेसिक इन्फो रहती है कि आप कौन सी सेटिंग्स यूज़ कर रहे हो, कितना आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू करंट स्टोरेज, एंड उसके अलावा जो आप लोगों का बैटरी कितना बचा है। वीडियो फॉर्मेट्स में भी आप लोगों को मिल जाता है एक NTSC और एक पॉल, एंड कुछ क्विक सेटिंग्स यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सो गाइज, अभी मैंने जो GoPro है वो अपने
हेलमेट में माउंट कर रखा है, और जो सामने आप लोगों को दिख रहा है दैट इज़ DJI Osmo Action, और दोनों का कंपेयर करेंगे इनको चेंज करके। तो अभी मैं जो लेफ़्ट साइड का व्यू है आप लोगों को DJI Osmo Action का है, जो राइट साइड का है दैट इज़ फ्रॉम GoPro Hero 7 Black। तो आप क्लैरिटी और जो तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, एक सुपर वाइड और वाइड जो कैप्चरिंग एंगल है तो इसमें जो कुछ इस तरीके सा मिलता है, और जो ऑडियो है आप लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस इसमें पता लग जाएगा। तो आप लोगों ने देख ली होंगे यहाँ पे कंपैरिजन वीडियोस, और आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियोस, और कौन सी कैमरा का क्वालिटी आप लोगों को अच्छा लगा। मेरा अगर आप लोगों को व्यू चाहिए तो मैंने जब भी शूट किया, और जो एक्सेसिबिलिटी है वो DJI Osmo Action में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली, एंड जो GoPro के कंपैरिजन में जो टच सेंसिटिविटी है वो DJI Osmo Action की काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड जो क्विक फीचर्स हैं जैसे कि मैं कोई सी भी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कभी भी शूटिंग टाइम पे। और उसके अलावा देखा जाए तो जो स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन वाइज मेरे को GoPro ज़्यादा बेटर लगा कंपेयरिंग टू DJI Osmo Action। GoPro का हमेशा से ही जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। DJI Osmo Action का जो कैप्चरिंग एंगल है वो थोड़ा सा कम है कंपेयरिंग टू GoPro, बट जो क्लैरिटी है वो देखा जाए तो अगर इस प्राइस में आई थिंक सो इट्स द बेस्ट। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, एंड जो कंपैरिजन वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके से आप लोगों को हेल्प हुआ है इस वीडियो से तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आप लोगों को क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो इस वीडियो में। और उसके अलावा आप लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, माई इंस्टाग्राम ID इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आप लोगों को आप वहाँ पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को शेयर कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।